ज्यादा तो सलमान खान मुझे पसंद है उस शो में। मुझे इस शो की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा शो मैंने कभी पहले नहीं देखा। सिद्धार्थ सर को मैंने देखा है कई बार परफॉर्म करते हुए और रश्मि देसाई को मैं जानता हूँ, दोनों को मैं फेवरेट चूज करूंगा अगर करना ही हो तो। बहुत ही मजेदार शो है और देखने में भी मजा आता है। सो बिग बॉस एक ऐसा शो है जो रियली आज की इंडियन ऑडियंस को और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑडियंस को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनका जो होस्ट है सलमान खान, वो बहुत ही परफेक्ट होस्ट है ऐसे शो के लिए। और साथ ही साथ जो कंटेस्टेंट होते हैं वो भी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आते हैं। और 90 दिन यानी 3 महीनों के लिए एक ही घर में रहना, सबके साथ रहना, अननोन पीपल के साथ बेड शेयर करना, तो बहुत ही एक क्रिस्प और बहुत ही ट्विस्टी शो है। लेकिन मुझे देखने में अच्छा लगता है, कल ही देखा मैंने उसका लॉन्च पार्टी और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स से भी देखा। और सबसे ज़्यादा तो सलमान खान मुझे पसंद है उस शो में। सो ऑफकोर्स इस बार सीज़न 13 है तो मज़ा भी उतना ही आने वाला है। उसका जो हाउस होता है वो बहुत ही पसंद होता है मुझे, बहुत ही क्रिएटिव वे में हर चीज़ को बनाया जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो विथआउट मीनिंग हो, कोई भी स्विमिंग पूल होता है या फिर कोई वॉल आर्ट होता है, कोई भी क्रिएटिव डिज़ाइन होती है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है। और हर कंटेस्टेंट को एक ऑपोजिट टास्क दिया जाता है जो नहीं कर सकता, तो बहुत ही मज़ेदार शो है और देखने में भी मज़ा आता है। सो आई डोंट नो एनीवन पर्सनली फ्रॉम देम, लेकिन ऑफकोर्स सिद्धार्थ सर को मैंने देखा है कई बार परफॉर्म करते हुए इन द शोज़, और रश्मि देसाई को मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने एक कहीं काम भी किया है शॉर्ट फिल्म, आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज आई वॉज स्मॉल दैट टाइम। लेकिन बस इन दोनों को मैं फेवरेट चूज़ करूँगा अगर करना ही हो तो। ऑफकोर्स सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत सारे लोगों ने अपने टास्क के लिए सिलेक्ट किया है, और साथ ही साथ बहुत ही परफेक्ट पर्सन जिसे आप कहेंगे वो है, तो ऑफकोर्स वो दोनों आगे जाकर टॉप 4 टॉप 5 या फिर विनर भी बन सकते हैं। सो मुझे इस शो की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा शो मैंने कभी पहले नहीं देखा। एक अलग ही शो है इंडियन टेलीविज़न पर। देखिए झगड़ा भी होता रहता है और बातें भी होती रहती है, ट्विस्ट होता है, क्रिस्प होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एट द एंड जो क्रिएटिविटी उस शो में ऐड की गई है, एक बहुत ही अलग डिज़ाइन, सबके पहनाव का तरीका, सब कैसे रहेंगे फैमिली से दूर, तो एक सीखने की भी चीज़ है उस शो से, और साथ ही साथ एक एंटरटेनिंग प्लस सब्जेक्टिव और एजुकेटिव शो है। ऑफकोर्स अगर ऊपर नीचे होते हैं तो एक दूसरे के साथ वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या फिर ये, लेकिन ऑल आर एट द सेम लेवल दिस टाइम, तो सबको पता है सब कितने वो है, कितने प्रॉब्लमेटिक है, कितने ज़्यादा इगोइस्टिक है, कितने ज़्यादा अच्छे हैं, सबको पता है सब कैसे हैं और सब एक ही लेवल पर हैं, तो फाइट तो होने वाली है। सो मैं ऑफकोर्स कहना चाहूँगा बिग बॉस एक अच्छा शो है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं एक अच्छे नज़रिए से देखता हूँ, एक मीनिंगफुल और एक क्रिएटिव शो की तरह देखता हूँ, तो ऑफकोर्स उस शो को देखिए और अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करिए, और जो भी कंटेस्टेंट जीते उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।